हे गाइस, गुड मॉर्निंग. आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल. और अभी मैं आज का व्लॉग आज से ही स्टार्ट करी हूँ. गाइस, आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था, आपसे बात करने को बहुत दिल कर रहा था, तो मॉर्निंग में ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है और नीचे वाइट कलर का लेगिंग्स पहना है. तो गाइस, आज है मकर संक्रांत और कल मैंने मकर संक्रांत का व्लॉग बनाया था आपके लिए. एक दिन बिफोर मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग आ गया, क्योंकि ऑलवेज ना 14 तारीख को मकर संक्रांत रहती है हमेशा. तो मैंने सोचा कल ही है मकर संक्रांत और कैलेंडर देखने को मुझे टाइम नहीं मिला और सब लोग के मैसेज आ रहे थे हैप्पी मकर संक्रांत हैप्पी मकर संक्रांत. तो मैंने सोचा कि शायद संक्रांत ही है, तो इसकी वजह से तो गाइस मेरा पोपट हो गया. कोई बात नहीं, मकर संक्रांत आज हो या कल हो, मैंने आज भी वापस से ब्लैक कलर का ड्रेस पहन लिया है. और चलिए, चलती हूँ मैं स्कूटी सिखाने के लिए, तो वहां जाके आपसे मिलती हूँ. ओके, तो आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया कि नहीं कल का? गाइज, मैं थोड़ा डिप्रेस में चल रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दी मैंने. कोई बात नहीं, तो ऐसे भी व्लॉग तो बनाना ही था, बिफोर टाइम बनाना था मुझे आपके लिए संक्रांति का, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग बना दिया. कोई बात नहीं गाइज, भूल चूक होती रहती है, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. और चलिए, मैं चल रही हूँ स्कूटी सिखाने, और भागम भाग मची रहती है, इसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है गाइज. तो चलिए, ये साल की शुरुआत ही एकदम खराब हुई है, तो क्या करें, चलता है. चलिए, अब मिलते हैं स्कूटी सिखाने के डेस्टिनेशन पे. ओके, तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने डेस्टिनेशन पे और स्कूटी सिखाने. और ये है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ स्कूटी सिखाने. और मेरी स्टूडेंट का आज 4th डे है स्कूटी का, और उसको आ गया है अच्छे से स्कूटी, थोड़ा थोड़ा अच्छे से, मतलब मेरा टेंशन रिलीफ हो गया है कि अब वो अच्छे से कर पा रही है. तो गाइस, आज फिर से आज है मकर संक्रांत. और लकीली मेरे पास 2 ड्रेस थे, तो मैंने ये वाला ब्लैक वाला पहन लिया है जो मैंने आपको बताया. और चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ स्कूटी सिखाना. और गाइस, कभी कभी ऐसा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है सारी दुनिया खुश है सिवाय मेरे, पता नहीं क्यों. तो चलिए, और मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं आपको दिखूँगी. और मैं कल से पूरा अपना एनर्जी लगाऊँगी वीडियो बनाने में, और बहुत अच्छे से वीडियोस बनाऊँगी और खुश खुश रहने की कोशिश करूँगी. ओके गाइस, और आज मैं ये क्लिपिंग के बाद, अब मैंने कल एक डीप यू कट कटिंग किया है, वो क्लिपिंग में ऐड कर रही हूँ, तो आप वो क्लिप देख के सीखिए कैसे ये करते हैं, मतलब कैसे हेयर कटिंग करते हैं. तो गाइस, मैं आ गई हूँ पार्लर पे, और अब आएंगे मेरे बच्चे. तो बच्चे आएंगे, और कल मैं बच्चे लोग को शूट नहीं कर पाई आपके लिए. तो कल ना क्या हुआ, वो नए बच्चे 2 आए हैं, उसमें से एक बच्चा एब्सेंट था और एक बच्चा आया था, तो बहुत रो रहा था. तो फिर मैं रोते हुए बच्चों को क्या शूट करूं, इसलिए नहीं शूट करी है. मेरी प्ले स्कूल है, आप तो जानते ही हो, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मुझे रोज देखते हैं, मेरा ब्लॉग देखना पसंद करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं. पर जो नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, आई एम ब्यूटिशियन, मेरा ब्यूटी पार्लर है, साथ में मैं प्ले स्कूल भी चलाती हूँ. ओके, तो मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिए कि प्ले स्कूल के बच्चे की मस्ती, मेरे पार्लर में ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स, और पार्लर के स्टूडेंट लोगों की मस्ती, वो सब मेरे ब्लॉग में रहता है. और गाइस, आज मैंने खाने में बनाया है भिंडी की सब्जी और दाल फ्राई और रोटी. तो ठंडी है तो थोड़ा सा खाना ज़रा थोड़ा सा चटाकेदार अच्छा लगता है. और भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट है, तो मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है और दाल भी बनाई है, थोड़ा सा दाल फ्राई, तिक्खी तिक्खी दाल बनाई है लंच के लिए. तो गाइस, चलिए चलिए हेयर कटिंग में दिखाती हूँ आपको
डी पी यू कट, और बाद में मिलेंगे इसके बाद थोड़ी देर में। ओके, क्या होता है गाइस, मेरे वीडियोस ना जरा थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं तो मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसकी वजह से, क्योंकि है ना क्या होता है, मॉर्निंग में जो मैं वीडियो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ उसके बाद जो भी स्टार्ट होता है, मतलब आजकल तो मैं खाना वाना का शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सुबह बहुत भागम भागी मची रहती है। मुझे 6 बजे से 9 बजे के अंदर सारा काम पूरा करके और दौड़ना रहता है पार्लर के लिए, तो मैं खाने का शूट नहीं कर पा रही। लेकिन अब मैं एक दिन आपको सैटरडे संडे मैं क्या खाना बना रही हूँ वो भी शूट करूँगी आपके लिए। ओके गाइस, तो कुछ ना कुछ तो चेंज करूँगी मैं आपके लिए, और आप तो मेरी लाइफ लाइन हो, सब लोग सब्सक्राइबर मेरी लाइफ लाइन हो, और बस मैं आपसे सारा सब कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मैं बच्चे लोग को थोड़ा सा संभाल लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, चलिए तो पहले देख लेते हेयर कटिंग, डी पी यू कट, और थोड़ा आप सीख लीजिए हेयर कटिंग। और मेरे इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा हेयर स्टाइल और थ्रेडिंग। तो गाइस, आपने थ्रेडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि नहीं बताइए मुझे। तो थ्रेडिंग प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए और फिर मिलते हैं थोड़े दिन के बाद, ताकि मैं आपको आईब्रोज कैसे बनाते हैं वो सिखा सकूँ। 8 दिन का टाइम दीजिए मुझे। और कल गाइस, मैं मेकअप ट्यूटोरियल बनाने वाली हूँ। कल एक मेरी स्टूडेंट की एग्ज़ाम है, तो ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स के लिए मैं वो एग्ज़ाम ले रही हूँ उनकी, तो वो मैं सारा शूट करके आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मेरे स्टूडेंट ने क्या क्या सीखा है आज तक, और वो कैसे कर रहे हैं। तो पूरा मेकअप रहेगा, पता नहीं वो कौन सी ब्राइड अब तैयार करती है, शायद तो वो महाराष्ट्रन ब्राइड तैयार करने वाली है। तो गाइस, जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कल एक अच्छा सा व्लॉग देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो चलिए पहले आप देख लीजिए हेयर कटिंग, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, इनके बालों को मैं डीप यू कट मार रही हूँ, स्प्रे मार के हम पहले उनको बालों को सीधा कर लेंगे। मिडल पार्टिंग लिया है, बहुत लाइट बाल है उनके, स्प्रे होते रहता, और थोड़ा सा ट्रिमिंग भी करेंगे हम इसको। सेक्शन करके बालों को कट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, डायरेक्ट कट करने में बहुत अच्छे से बाल प्रॉपरली आ जाते हैं। कट होने के बाद हमने दोनों साइड की लेंथ को सेंटर में चेक कर लेने का, तो ये साइड की थोड़ी सी लेंथ मुझे बड़ी लग रही है, तो हम उसको फिर से थोड़ा सा कट करेंगे। अब इस तरह से कोम करके हाथों को इस तरह से पकड़ के ये जो एक्स्ट्रा बाल है उसे ट्रिम कर देंगे। हेयर कटिंग देखा गाइस, एकदम इजी है। जब तक हम करते नहीं ना, तब तक हमें डर लगता है कि कटिंग कैसे करेंगे। तो ये हो गया मेरा डीप यू कट, लॉन्ग बाल में इस तरह से ये कट बैठ जाता है।
तो गाइस आपको ये कटिंग कैसा लगा? इजी लगा ना आपको? कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए। और कौन सा कट आपको, कोई और नया कट सीखना है तो मुझे बताइए। मेरे चैनल पे सारा हेयर कटिंग ब्यूटी का पूरा सब प्रोसीजर मैं सिखाती रहती हूँ ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स में। ओके तो गाइस आपने देखा हेयर कटिंग, और कैसा लगा आपको? कुछ समझ में आया आपको तो? और कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसमें और भी कुछ बताऊंगी, मतलब और एक बार वापस से वो कटिंग का ट्यूटोरियल दे दूंगी आपको, ठीक है? तो चलिए अब मैं मिलाती हूँ मेरे बच्चों से आपको। तो गाइस ये आए हैं मेरे प्ले स्कूल के बच्चे, और आप गुड मॉर्निंग बोलोगे मेरे व्यूअर्स से? मछली जल की रानी है, कृषा का पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो ये है मेरे प्ले स्कूल के बच्चे, और बाकी के बच्चे अभी आने वाले हैं। 20 बच्चे हैं मेरे प्ले स्कूल में, अब बच्चे आएंगे, लेकिन उसमें से ना एक बच्चा रोता है, तो इसलिए मैं वो रोने वाले बच्चे लोग का क्या शूट करूँ, वो नया है। हाँ बोलो अरहान, चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे? चना मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया रे। और अब सारे बच्चे जमा होके पूरी तूफान मचाएंगे। तो गाइस देखा मेरे बच्चों को, ये मेरे प्ले स्कूल के बच्चे हैं, और बहुत एंजॉय करते हैं स्कूल में आके। नए बच्चे रोते भी हैं बहुत, पता नहीं उनको भी डर लगता है ना कि मम्मी चली गई तो आएगी कि नहीं वापस, पता नहीं क्या कब आएगी। भाई हमें भी कोई जेल में बंद कर दे तो हमें कैसा लगता है, तो उनके लिए तो स्कूल भी जेल ही समझ जाने का ना, तो इसलिए थोड़ा सा डर जाते हैं, पर कोई बात नहीं, कोई नहीं। तो गाइस ठीक है, और इसके बाद ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और तो गाइस ये वीडियो मेरा यहीं पे एंड हो रहा है, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। गाइस मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके हर कमेंट्स का बाद जवाब दूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग को भी सिखाइए कैसे मैं ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स चल रहा है मेरा, तो कैसे मैं ये सब आपको सिखा रही हूँ, उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर मैं, मेरी कोशिश है थोड़ी बहुत सिखाने की तो मैं कर रही हूँ, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, व्लॉग बड़े हो जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।